हाय गाइस गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, उसका स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जियो सिम की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, और आपको मैं स्टेटमेंट भी बताऊँगा कि आप स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सभी कॉल्स का। तो देन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है। तो आपको इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ काफ़ी सारे आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, माई जियो रिचार्ज, जियो जियो टोन्स, जियो का केयर। देन इसके बाद आपको मेन्यू देखने को, मेन्यू पे क्लिक कर देना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रिचार्ज योर नंबर, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, माय प्लान, माय रिचार्ज हिस्ट्री, स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो आप यहाँ आपको यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिले, ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट। तो इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहें तो जो स्टेटमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हैं कॉल का, कॉल डिटेल, वो आप ईमेल पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल में, वो डाउनलोड फाइल में। देन अगर आप व्यू देखना चाहते हैं स्टेटमेंट, तो आप व्यू स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मुझे डाउनलोड करना है स्टेटमेंट, मैं डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको टॉप में देखने को मिल रहा है 7 डे, 15 डे, और देन इसके बाद आपको 30 दिन। तो आपको यहाँ 7 डे, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। तो आप जो भी आपको बेस्ट लगे, आप जितने दिन का निकालना चाहते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं 7 डे का, यहाँ मैं 15 डे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मुझे डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप ईमेल, अगर आपको ईमेल पे चाहिए अपना स्टेटमेंट कॉल डिटेल का, तो आप ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं डाउनलोड स्टेटमेंट पर सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है, जो हाईलाइट बटन हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा यहाँ सर्चिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो चलता है ये ऐप। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ से ओपन हो जाना है इसको। तो यहाँ पीडीएफ से ओपन हो जाता हूँ। ओपन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने 7 डे की कॉल डिटेल निकाली थी, यहाँ मेरी ये निकल चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके आपको लाइव प्रूफ यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टॉप में जाना है। टॉप में जाने के बाद आपको 3 डॉट की लाइन देखने को मिलेगी। तो 3 डॉट की लाइन पर मैं क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड। आप चाहते हैं इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, कॉल डिटेल जो है आपकी, वो आप यहाँ इस पर क्लिक करके डाउनलोड पर आप कॉल डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जियो सिम की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।